हेलो फ्रेंड्स, आज हम शॉर्ट हैंड की क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने सुना ही होगा शॉर्ट हैंड, ये हाई कोर्ट में, मीडिया में, हर जगह पर आजकल बहुत काम आ रही है और इसकी काफ़ी वैकेंसीज भी निकलती हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दो तरह की शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है। वैसे हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। अगर आप एक लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपको दूसरी सीखना ईजी रहता है। आज हम आपको हिंदी की ऋषि पिंडाले के अकॉर्डिंग शॉर्ट हैंड सिखाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आपको इस तरह की बुक मिलती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा ऋषि पिंडाली, और ये ऐसे ब्लू कलर के कवर में आती है, देखिए इस तरह की होती है। ये देखिए, आपको इस तरह की बुक ले लेनी है। इसमें आपको स्टार्टिंग से हर एक एक्सरसाइज भी मिलेगी और उसकी आंसर शीट भी आती है, देखिए लिखा है कुंजी सहित, ठीक है? लेकिन अगर आपको इस तरह की बुक नहीं मिल पाती है तो आज हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि जैसे इस बुक का एक चैप्टर आपको हम अच्छे से करवाएंगे, ठीक है? तो देखिए हम शुरू करते हैं। ये है श्री ऋषिलाल अग्रवाल, इन्हीं के द्वारा बनाई गई ऋषि प्रणाली है जिससे हम आज हिंदी संकेत लिपि यानी हिंदी शॉर्ट हैंड सीखेंगे। हमने अभी तक पढ़े थे ना वर्णमाला छोटी क्लास में, कैसे कबूतर, खासे खरगोश, उसमें स्वर आते थे। इसमें स्वर का भी हम यूज नहीं करेंगे, पहले हम आपको व्यंजन सिखाएंगे, ठीक है? देखिए, क से कबूतर है, ये ख खरगोश, ये ग गमला, ये घ से घड़ी, यानी कि ये पूरा क वर्ग है। ये वाला आपका च वर्ग होता है, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग, और ये य, ये स, और फिर ये एक्स्ट्रा जो वर्ग व्यंजन होते हैं ये वो हैं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको शॉर्ट हैंड लिखने के लिए सबसे पहले इस तरह की पेंसिल लेनी होगी जिस पर इस तरह से स्टेनो लिखा हुआ है, ठीक है? तो इससे आप अपने हिसाब से लाइट और डार्क लिख सकते हैं, ठीक है? इसीलिए हम इस तरह की पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया है क वर्ग, क ख ग और ये घ। इसको कैसे लिखते हैं देखिए, इसमें जब भी आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो ये जो क वर्ग का क है इसको बिल्कुल लाइट लिखते हैं, एकदम हल्का इस तरह से, ठीक है? और ख को इसी तरह से लिख देते हैं, लेकिन इसको अलग करने के लिए बीच में से काट देते हैं, तो ये बन जाता है ख। और ग, ग को बोलने के लिए हम गहरा लेते हैं, टाइम लगता है, तो इसलिए इसको गहरा लिखेंगे ऐसे, ये बन गया घ ग। अगर इसी ग को हम क्लिक कर काट दें तो ये बन जाता है घ। तो देखा आपने, जब क लिखेंगे तो हल्की लाइन खींचेंगे, स्लिपिंग लाइन, जब ख लिखेंगे तो इसी को काट देंगे और ग के लिए इसी स्लिपिंग लाइन को गाढ़ा कर देंगे और घ के लिए इसको काट देंगे। ये हमेशा इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है? ये हमेशा इसी डायरेक्शन में आपको लिखना है। इसी तरह से च वर्ग की बात करें तो च लिखने के लिए आप लेंगे राइट टू लेफ्ट जाएंगे, यानी कि अप डाउन एंड राइट टू लेफ्ट इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया च। इसी को जब बीच में से काट देंगे तो बन जाएगा छ, और जब ज बनाएंगे तो डार्क कर देंगे, और झ बनाने के लिए इसी को काट देंगे तो ये बन गया झ। अब इसका एरो हमेशा डाउनवर्ड रहता है, यानी कि हमेशा आप इसको इसी तरह से लिखेंगे, जैसे देखिए च हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, आप इसको कभी अपवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? ये सभी इसी तरह से इसी डायरेक्शन में लिखे जाएंगे। उसके बाद ट वर्ग की बात करें तो ट आपको कैसे लिखना है, स्टैंडिंग लाइन होती है ना, तो एकदम लाइट स्टैंडिंग लाइन आपको ऐसे बनानी है, तो ये हो गया ट। फिर इसी स्टैंडिंग लाइन को जो बीच में से हम काट देंगे बन जाएगा ठ, इसको डार्क कर देंगे तो ये बन जाएगा ड, और इसको काट देंगे तो ये बन गया ढ। ये हमेशा डाउनवर्ड रहेगा और स्ट्रेट रहेगा इस तरह से, ठीक है? सभी इस तरह से बनेंगे, डाउनवर्ड एंड स्ट्रेट। अब बात करते हैं त की, तो त वर्ग आपने ब्रैकेट बनाया ना मैथ्स में, उस तरह से बनता है ऐसे, और त इस तरह से भी बनता है, तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके जो डायरेक्शन है वो इस तरह से रहेगी नीचे, ठीक है? इस तरह से रहेगी, ऐसी थ बनाएंगे तो इधर बनाकर इसको कट कर देंगे तो बन गया थ, और दूसरी तरह बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाकर इसको कट कर दीजिए, बन गया। इन दोनों में से आपको किसी एक का ही यूज़ करना है, ठीक है? तो ये थ जो होता है ये त का ही हल्का होता है और इसको कट कर देते हैं तो ये थ बन जाता है। द बनाने के लिए डार्क लिखते हैं इसी को इस तरह से, ठीक है? और ध बनाएंगे तो इसी द को हम बीच में से काट देंगे तो ये बन गया ध, और डायरेक्शन सबकी इसी तरह रहती है सेम, ठीक है ना? उसके बाद प वर्ग की बात करते हैं, तो प हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है एंड डाउनवर्ड, यानी कि इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है डाउनवर्ड, ठीक है? तो ये बन गया प, ये हल्का है तो ये प है, इसी को जब हम बीच में से काट देंगे तो बन गया फ, इसको डार्क कर देंगे तो ये बन गया ब, और इसको बीच में से काटा तो ये बन गया भ।
डायरेक्शन सभी की डाउनवर्ड रहेगी इस तरह से, ठीक है। य के लिए क्या करते हैं, इस तरह से लिखना शुरू करते हैं। देखिए ये बन गया आपका य की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड रहेगी इस तरह से, ओके। ये हो गया य। र लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप र को ऐसे लिख दीजिए ऊपर की साइड यानी कि अपवर्ड करते हुए, या फिर इसको डाउनवर्ड लाएंगे तो ऐसे। ये हो गया डाउनवर्ड यानी कि र आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से कर्व लाइन में भी लिख सकते हैं। ल बनाने की भी ल बनाने के लिए भी आपको अपवर्ड जाना है, लेकिन इसका एक फायदा है आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड भी, यानी कि कैसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों चलता है, यानी कि ऐसे भी और ऐसे डाउनवर्ड भी। तो ये हो गया ल। व बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने यह बनाया था ना, इसे य को जब आप उल्टा बना देंगे यानी कि ऐसे अपवर्ड बनाना है और इस तरह से बनाएंगे तो बन गया व, ठीक है। उसके बाद स बनाना है, तो स में हम डिवाइड बनाते थे ना, डिवाइड करते थे मैथ्स में ऐसे। ये हो गया स, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। और इस तरह से करा तो इसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो ये डिवाइड के साइन बन गए ना। पर इन दोनों में से एक ही आपको यूज़ करना है, या तो आप ये वाला लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए। तो ये बन गया स। इसी तरह से हम ह लिखते हैं, तो ह को कैसे लिखते हैं इस तरह से। ये हो गया अपवर्ड, और जब डाउनवर्ड बनाएंगे ऐसे, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। इन दोनों में से आपको एक का यूज़ करना है। म में हम माँ को, देखिए माँ की बात करते हैं तो माँ को हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका म, और ये क्या है आपका न, ये हो गया न। अब देखो म और न, इसका एक और प्रॉफिट है, जब आपको इस तरह से म बना दिया, अब जब आप इसी म को यहाँ बनाकर काट देंगे तो ये बन जाता है न, और जब आप ये वाला न यहाँ पर बना के काटेंगे तो ये बन जाएगा म। तो देखा आपने म और न, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका। उसके बाद ण, सड़क लिखते हैं, सड़क में जो अणे का यूज़ करते हैं उसे कैसे लिखते हैं। ये जो हमने र बनाया था ऊपर, जब इसी र को आप बीच में से काट देंगे अपवर्ड करते हुए, इसको अपवर्ड बनाना है र को, इसको काट देंगे लाइट बनाकर तो ये बन जाएगा ण। और जब और हाँ र हम ऐसे भी बनाते हैं ना, तो आप ऐसे बनाकर इसको कट कर देंगे, ये बन गया ण। सड़क लिखेंगे तो ऐसे लिखना है आपको, ण ये वाला यूज़ करना है। अच्छा पढ़ाई लिखते हैं, पढ़ाई हमने ढ पढ़ा है उसमें, ठीक है। तो ढ कैसे बनाते हैं, हमने ह पढ़ा था उसी तरह से आप ह बनाएंगे अपवर्ड और इसको कट कर देंगे तो ये बन गया ढ, और इधर से डाउनवर्ड बनाएंगे कट कर देंगे तो ये बन गया ढ। इन दोनों में से आपको एक का यूज़ करना है। तो देखा आपने, इस तरह से हमारी पूरी वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका क वर्ग था, इसको हमने क्या बनाया, स्लीपिंग लाइन बनाई हल्की सी और इसको कट किया तो ये बन गया ख, और जब स्लीपिंग लाइन को डार्क करके बनाया तो ये बन गया ग, इसी को काटा तो ये बन गया घ। च वर्ग में जब आप डाउनवर्ड बनाएंगे तो जब आप इसको हल्का करेंगे तो ये होगा च, ये छ इसको काट दिया, और जब इसी को डार्क बनाया ऊपर से नीचे तो ये बन गया ज, इसको ऊपर से नीचे बनाकर डार्क कट करा तो बन गया झ। इसी तरह से ट वर्ग, तो ट वर्ग जब आप डाउनवर्ड बनाएंगे स्ट्रेट लाइन से हल्का, ये होगा ट, इसको हल्का करके कट कर देंगे ये बन गया ठ, इस लाइन को डार्क करेंगे बन गया ड, और स्ट्रेट लाइन डार्क बनाकर जब कट कर देंगे बन गया ढ। अब त वर्ग हमेशा कर्व लाइन से बनेगा, ठीक है। जब आप कर्व लाइन बनाएंगे डाउनवर्ड इस तरह से तो ये बन गया त, ये हल्का होता है और ये दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। थ इसको कट कर देंगे जब आप त को तो बन गया था। द बनाने के लिए आप इसी कर्व लाइन को डाउनवर्ड करेंगे और डार्क कर देंगे बन गया द, इसी को जब आप द को काट देंगे तो ये बन जाएगा ध। पावर्ग में जब आप डाउनवर्ड आएंगे लेकिन राइट साइड पर यानी कि इस तरह से, तो इसको पढ़ेंगे प, अभी ये हल्का है, ठीक है। जब इस हल्के को हम एक बार और काटेंगे तो ये बन गया फ। जब आप इस तरह से डाउनवर्ड स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे तो इसको डार्क बनाएंगे, हाँ, तो इसको पढ़ेंगे ब। जब इस लाइन को आप कट कर देंगे तो इसको पढ़ेंगे भ। ये सभी क्या रहेंगे, डाउनवर्ड रहेंगे। इस तरह से आपका होता है य वर्ग। य वर्ग में आप हमेशा अपवर्ड जाएंगे। अच्छा य वर्ग वैसे ही अलग अलग होते हैं, य र ल व, ये सभी अलग तरीके से बनते हैं। अभी तक जो एक वर्ग कहते वो सभी एक ही डायरेक्शन में थे, लेकिन ये सभी अलग अलग हैं। जैसे य वर्ग अपवर्ड है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, र है र अपवर्ड भी है डाउनवर्ड भी है, इस तरह से देखिए
ऐसे एक अर्ब लाइन में भी है और ये लाइन भी है एक, ठीक है। ला बनाएंगे तो ला अपवर्ड भी है और ऐसे डाउनवर्ड भी है, इस तरह से। व बनाएंगे तो व हमेशा अपवर्ड रहेगा, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद स लिखते हैं तो जैसे डिवाइड का साइन होता था वैसे बनाएंगे, पर हमेशा डाउनवर्ड बनाएंगे और इन दोनों में से एक का ही यूज़ करेंगे। जब आप है लिखेंगे तो अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा, ठीक है। म बनाएंगे तो म जब आप ऐसे बनाएंगे और जब आप इसी म को काट देते हैं यहाँ पर, देखिए काटा ना हमने तो ये बन गया न, और हम न को इस तरह से लिखते हैं और जब हम इसी न को यहाँ पर काट देंगे ये बन जाएगा म। अण, सड़क लिखते हैं ना वो वाला अण, जब आप रे लिखा है ना आपने, इसी रे को आप काट देंगे तो बन जाएगा अण। और इधर देखिए ये वाला डाउनवर्ड वाला रे है ना, जब आप इसको काटेंगे तो ये भी पढ़ा जाएगा अण। इन दोनों में हमेशा एक ही लिखना है। ये अढ़ा है, ये वाला तो अपवर्ड है होता है, ये डाउनवर्ड होता है। जब आप इसे है को काटते हैं तो इसको पढ़ते हैं मढ़े, पढ़ाई वाला अण है, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे बार बार क लिखना है और इसको हल्के हाथ से ऐसे बार बार लिख कर देखना है इस तरह से। और इस तरह से आपको आगे प्रैक्टिस करनी है ख, तो देखिए ख लिखेंगे हम बार बार ऐसे, हल्का लिखेंगे और कट कर देंगे, हल्का लिखेंगे कट कर देंगे, पर आपको ये प्रैक्टिस में लाना है, मतलब स्पीड लिखने की कोशिश करना। जब आप अभी स्पीड से लिखेंगे तो आगे आपको ये और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको इन्हें ये रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपके हाथ पर खुद से बैठ जाएंगे। गा लिखेंगे ऐसे डार्क, देखिए ऐसे। इसी तरह से आप सबकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा तो मिनिमम करनी ही करनी है, ठीक है बच्चों। कल हम आपको सिखाएंगे। देखिए बुक में आपको इस तरह से एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज 1 है, इसमें आपको ये शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो देखिए हमने आपको पढ़ाया था ना, ये है डाउनवर्ड, ये क्या है पे है, ये है टे क्योंकि हल्का है। इसी तरह से ये ऐसे बना हुआ है ना, यानी कि राइट टू लेफ्ट है ये, तो ये क्या है आपका डार्क है, ये क्या हुआ बच्चों जे है। देखिए यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये देखिए ये जे है ना डार्क हमारा, वैसे ही ये है जे डार्क है बिल्कुल। इसी तरह से ये क्या है बच्चों, यहाँ भी हमने आपको पढ़ाया था, देखो ये क्या है बच्चों रे, तो ये क्या हुआ रे। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज की पूरे की आप हिंदी में लिखेंगे कि क्लाइंट, जैसे देखिए मैं इस कॉपी में लिख देती हूँ, ये आपका फर्स्ट वाला है, इसका हमें लिखा ये क्या है बच्चों पे, ये हो गया हमारा टे, ये बताया था मैंने जे, ये है रे, ये आपका हो गया है। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है आपको, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप इसे अच्छे से सीख पाएंगे। और ये जो एक्सरसाइज 2 है इसमें आपको हिंदी में लिखा हुआ है, अब आपको इसको शॉर्ट हैंड में लिखने से हम पे लिखेंगे, तो पे हमने आपको बताया था ऐसे लिखते हैं, कि हमने बताया आपको ऐसे लिखते हैं, सै को आप ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, नै को आप ऐसे भी लिखते हैं और आप ऐसे मैं लिखेंगे, उसको काट देंगे तो बन गया नै। देखिए इस तरह से आपको कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, ये कॉपी के अंदर आप इसको करेंगे, ठीक है। और फिर आप हमें चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं इनके आंसर, ठीक है। आप चाहें तो अभी जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस अपने आप कर सकें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस, जैसे ये पै है तो आपको इसकी प्रैक्टिस एक बार ही नहीं करनी है, कम से कम 10 बार तो आपको इस पै को लिख कर देखना ही है, शॉर्ट हैंड में भी और हिंदी में भी, ठीक है, दोनों में आपको इसको लिख कर देखना है। और कम से कम 10 बार कहा है मैंने, आप आगे भी प्रैक्टिस रखिएगा अपनी। अगर आपको कोई भी प्रश्न है आपका, कोई भी आपका सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर आपको अगर कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।